फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जानवरों के अंदर हलाल और हराम का फ़र्क फरमाया और हलाल जानवरों में बड़े जानवर को हलाल किया और बड़े जानवर गाय और भैंस वगैरह हलाल का इरशाद फरमाया। लेकिन ये जितने जानवर बड़े होते हैं आप मुझसे बदरजहा बेहतर समझते हैं, उनका गोश्त का कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है। जानवर जो जो छोटे होते चले जाते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल गोश्त में कम होता चला जाता है। हलाल करार दिया गाय और भैंस के गोश्त को, लेकिन एक बात काबिल तवज्जो है और वो ये कि आज की तिब्बी तहकीक, जदीद तिब की तहकीक ये बयान करती है कि गाय के गोश्त में एक कीड़ा होता है और उसका नाम है टीनिया सेजिनेटा। वो कीड़ा जो टीनिया सेजिनेटा के नाम से मारूफ है उससे पेट की कई अमराज जन्म लेती हैं, लेकिन हैं वो काबिल इलाज। अब ये मरज़ आज तहकीक की रोशनी में सामने आई, 1400 साल बरस पहले इन कीड़ों के नाम से दुनिया का कोई फ़र्द आगाह न था, लेकिन अकाय दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मतियों गाय का दूध पिया करो इसमें शिफा है, गाय का घी खाया करो इसमें दवा है। ज़रा अल्फाज के फ़र्क को भी मुलाजा फरमाइए, दूध पिया करो इसमें शिफा है, घी खाया करो इसमें दवा है, और गोश्त से बचा करो इसमें बीमारी है।